शहर में तफरी के सबसे बड़ा मरकज हुसैन सागर तालाब में 80 सीटों वाली एक नई क्रूजर लॉन्च कर दी गई, जिससे तवक्को है कि शहर में कश्ती रानी की सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। वजीर स्पोर्ट्स और टूरिज्म श्रीनिवास गौड़ और वजीर दाखिला मोहम्मद अली ने बरखी से चलने वाली इस क्रूजर को लॉन्च किया। श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि अनकरीब दुर्गम शेरू तालाब में भी मजीद 2 कश्तियां लॉन्च की जाएंगी, ताकि आने वाले मौसम गर्मा में शहरी लुत्फ उठा सकें। एम्बुलेंस के जरिए एक दवाखाने से दूसरे दवाखाने को इंसानी आज़ा की मुंतकली के रिकॉर्ड के बाद अब हैदराबाद मेट्रो रेल ने बर्क रफ्तारी के साथ LB नगर कामलिनी हॉस्पिटल से जुबली हिल्स के अपोलो हॉस्पिटल को इंसानी आज़ा की मुंतकली का रिकॉर्ड बनाया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया कि ऐसा पहली मरतबा हुआ कि एक दिल के मरीज के लिए एक मखसूस ट्रेन चलाई गई, जो किसी भी ट्रेन स्टेशन पर रुके बिना 21 किलोमीटर का सफ़र 30 मिनट में तय किया। उन्होंने बताया कि नागौर से जुबली हिल्स तक के तमाम ट्रेन स्टेशनों को क़ब्ल वक्त इस खसूसी ट्रेन के बारे में आगाह कर दिया गया था। किशनबाग के नौमंतखबा कॉरपोरेटर ख़ाजा मुबशिरुद्दीन हुसैनी पाशा ने मंगल को GSMC के एनिमल स्क्वाड कैमरा किशनबाग में आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम चलाई। एक अंदाजे के मुताबिक 80 से ज्यादा कुत्तों को पकड़ा गया। हैदराबाद में आवारा कुत्तों की कसरत की वजह से शहरियों में किस्म का खौफ पाया जाता है। 3 दिन कबल असद बाबा नगर किशनबाग में आवारा कुत्तों के हमले में एक 4 साल लड़के अयान की मौत हो गई थी। इसके बाद इलाके के अवाम में जबरदस्त गम व गुस्सा पाया जाता है। रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने तेलंगाना स्टेट शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉयज़ यूनियन की साल 2021 की डायरी जारी की। उन्होंने मुलाजिम पर जोर दिया कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़र क़यादत हुकूमत की शुरू करदा फलाह स्कीमों को रूबेमल लाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत कबायलियों को ग्राम पंचायत की सतह से असम्बली की सतह तक ताकतवर बनाने की ख्वाहिश रखती है। इस मौके पर यूनियन के सदर रामदास, जनरल सेक्रेटरी देवा सिंह, अरकान बी रमेश, रविंदर, विमला, वीरू नायक, याकूब नायक और किशन नायक भी मौजूद थे। कुत्तापेट में वाक़ खांगी कॉलेजेस श्री चैतन्या और नारायणा के लेक्चरर्स ने कॉलेजों की कुशादगी के बाद इंतजामिया से मुतालबा किया कि वह उन्हें COVID-19 के चलते लॉकडाउन की मुद्दत की तनख्वाह अदा करें और तमाम लेक्चरर्स की खिदमत को बहाल करें। लेक्चरर्स ने इल्ज़ाम आयद किया कि कॉलेज इंतजामिया एक क्लास में 70 तलबा को बिठा रहा है और एक ही लेक्चरर की खिदमत हासिल की जा रही हैं, जबकि हुकूमत ने हर क्लास में 10 तलबा को ही बैठने की इजाज़त दी है। 3 ज़रूरी ख़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज के साथ इज़हार यकानगत करते हुए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, तेलंगाना किसान फोरम और दूसरी तंजीमों की जानिब से एक जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें मुकर्रिरीन मोहम्मद अब्दुल अजीज़, सारा मैथ्यूज़ और दूसरों ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह उन मुतनाज़िया ज़रूरी ख़वानीन को वापस लेकर मुल्क में फैली बेचैनी को दूर करे। उन्होंने कहा कि किसानों का एहतजाज जायज़ है। इन क़वानीन से न सिर्फ किसानों बल्कि आवाम को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मुल्क में महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा और सारी दौलत सरमायादारों के पास चली जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हुकूमत चंद सरमायादारों के हाथ खिलौना क्यों बनी हुई है। अयोध्या में ज़ेर तामीर राम मंदिर के एहतियात की वसूली की मुहिम पर बरकाल के TRS रुकन असम्बली धर्मा रेड्डी के बयान के खिलाफ BJP के कारकुनों ने मंगल को सईदाबाद में एक रैली निकाली और TRS रुकन असम्बली के खिलाफ नारे लगाए। रैली की क़यादत BJP की नौमंतखबा कॉरपोरेटर के अरुणा रेड्डी ने की। उन्होंने कहा कि धर्मा रेड्डी के बयान से सैकड़ों हिंदुओं के जज्बात मजरू हुए हैं। उपल में सड़क की तोसी के दौरान शिला मुबारक को मुनज़म करने के वाक़े के बाद मुकामी मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। मजलिस के लीडर मिर्ज़ा रहमत बेग ने वहाँ पहुँच कर मुकाम वाक़े का मायना किया और वक्फ बोर्ड, GSMC और पुलिस के जिम्मेदारों को तलब करके सूरत हाल से वाकिफ करवाया। उन्हें मुतालबा किया कि शिला मुबारक की उसी मकाम पर दोबारा तामीर की जाए। बसूरत दीगर मजलिस शदीद एहतजाज मुनज़म करेगी और हालात की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। रहमत बेग ने इस सिलसिले में पुलिस उपल में एक शिकायत भी दर्ज करवाई। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुक्काम ने 2 मुसाफिरीन के कब्जे से 54 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी जब्त की, जो कि बूंदी की पैकेट्स में छुपा कर रखी गई थी। दुबई जाने वाले इन मुसाफिरीन के बैगेज की स्कैनिंग के दौरान कुछ छुपा हुआ, चुनाचे उनकी पूरी तलाशी ली गई, जिस पर बैग में से अमरीकी, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स, मुत्तहदा अरब इमारात के दरहम, सऊदी रियाल, कुवैती, ओमानी और बहरीनी दीनार की गड्डियाँ पाई गईं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिसंबर में भी शारजा जाने वाले एक मुसाफिर के पास से 32 लाख रुपए मालियती बिरूनी करेंसी जब्त की गई थी। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ महबूबनगर के नवाबपेट मंडल में चेवल्ला के TRS रुकन असम्बली काला यादव के घर गए, जहां उन्होंने उनके वालिद के मल्लैया के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर एडवोकेट नरेंद्र और TRS के कई कायदीन भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और निज़ामाबाद मजालिस मकामी से मुंतखब रुकन खानसाज काउंसिल के कविता ने मंगल को निज़ामाबाद का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरीक़ाती कामों का मायना किया। उन्होंने बताया कि निज़ामाबाद में मनी टैंकमेंट की तामीर का बशमूल कई तरीक़ाती काम जारी हैं। इस मौके पर निज़ामाबाद के TRS रुकन असम्बली गणेश गुप्ता और मेयर डी नीतू भी उनके हमरा थे। उन्होंने निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन पर ब्रेस्ट फीडिंग लॉन्च का अफ्ताह भी किया। के कविता ने पार्टी दफ्तर में TRS के कारकुनों से खिताब किया और उन्हें अवामी मसाइल की यकसुई के लिए काम करने की हिदायत दी। मीडिया से बातचीत करते हुए कविता ने कहा कि वो रियासत के तीसरे बड़े शहर निज़ामाबाद की हमायती तरक्की के लिए काम करेंगी। उन्होंने बताया कि निज़ामाबाद को हमेशा अपने दिल के करीब रखती हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ मोकमजात में लाइसेंस की तजदीद और मोकमजाती मायनों के काम में कमी के इम्कान पर एक आला सतह इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में इंसानी अमल दखल और उस पर इन्हिसार को कम से कम करने की ज़रूरत है। इजलास में मोकमजात, रेवेन्यू, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, कमर्शियल टैक्स, एक्साइज, होम और इंडस्ट्रीज़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शरीक थे। परकाल के TRS रुकन असम्बली धर्मा रेड्डी के मुतनाज़ा रिमार्क्स पर बीजेपी और सरण परिवार के अरकान रियासत भर में एहतजाज कर रहे। मीरपेट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक रैली निकाली गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लीडर बी लक्ष्मण ने क़यादत की। रैली में शरीक अरकान TRS हुकूमत और TRS के रुकन असम्बली के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बैकवर्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन के सदर आर किशन नैया ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत में 2.5 लाख मखलूआ जायदादों को फौरी तौर पर पूर्व करे। सैफाबाद में काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के दफ्तर के बाहर धरने के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत ने 6 साल कबल रियासत के तमाम मखलूआ जायदादों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन वो अब तक पूरा नहीं किया गया। पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों नौजवान रोजगार की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। फलकनुमा ब्रिज के पास मंगल की दोपहर को एक रेडी मिक्स गाड़ी की टक्कर से एक 35 साल खातून फरीन बेगम बरसर मौका हलाक हो गई। मोहम्मद नगर की रहने वाली फरीन बेगम अपने भांजे के साथ बाइक पर यूनानी दवाखाना चारमीनार जा रही थी, जहां वो काम करती थी। पुलिस फलकनुमा ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मुख्य में जंगलात की तरफ से ज़िले भद्रादरी कुट्टागुड़म के बोरगम पाड़ू मंडल में कबायलियों को उनके झोपड़ियों और मकाना से बेदखल कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके मकानात को JPC की मदद से ढा दिया गया। इसके बाद हालात कशीदा हो गए। CPM के कारकुनों ने कबायलियों की इस बेदखली के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत से कहा कि वो कबायलियों पर मजालिम ढाने से बाज आ जाए। रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क का किसान किसान होता है, उसकी कोई ज़ात नहीं होती और हुकूमत तमाम किसानों को बिला लिहाज मजहब मदद पहुँचाने की पाबंद है। वनप्रति के मुख्तलिफ मुआवजात में फार्मर्स फोरम का अफ्ताह करने के बाद उन्होंने जलसों से खिताब करते हुए कहा कि COVID-19 के बहरान के दौरान सिर्फ ज़रूरी शोबे ने मुल्क की मईशत को संभाला। उन्होंने किसानों से कहा कि वो खेती बाड़ी में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। रियासती वज़ीर ट्राइबल वेलफेयर सत्यावती राठौड़ ने बोर्ड उपल के पीरजादी गुड़े में कबायलियों के लिए कायम अर्बन अपग्रेड वुमेंस कॉलेज का मायना किया, जहाँ 1 फरवरी से क्लासेस का आगाज़ होगा। उन्होंने बताया कि अकामती स्कूलों और गुरुकुल स्कूलों में हर तालिब इल्म पर हुकूमत 2.5 लाख रुपए खर्च कर रही है। सत्यवती राठौड़ ने बताया कि रियासती हुकूमत ने शादियों को आसान बनाने और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादियों को रोकने के लिए कल्याणा लक्ष्मी स्कीम शुरू की है। 3 ज़रूरी कवानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर किसानों का एहतजाज मंगल को 69वें दिन में दाखिल हो गया। किसानों की तंजीमों ने 6 फरवरी को मुल्क भर में चक्का जाम एहतजाज मुनज़म करने का ऐलान किया है, जिसके दौरान तमाम कौमी और रियासती शाहराहों को 3 घंटों तक बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली की सरहदों पर पंजाब और हरियाणा के किसान 26 नवंबर से एहतजाजी धरना दे रहे हैं। इसी दौरान मरकजी वजारत दाखिला ने बताया कि सितंबर से दिसंबर तक दिल्ली की सरहद पर एहतजाज करने वाले किसानों के खिलाफ 39 केसेस बुक किए गए हैं। एहतजाज में शिद्दत को महसूस करते हुए पुलिस ने दहली की सरहदों पर दीवारें उठा दी हैं ताकि कोई भी दहली में दाखिल ना हो सके। दूसरी तरफ मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि हुकूमत किसानों के मसाइल पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बातचीत के लिए तैयार है। अपोजिशन जमातों ने किसानों के मसाइल पर मुबाहस के लिए तहरीक-ए-इंतबा भी पेश की। बीजेपी के ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने तरमीमी कानून शहरियत पर अमल आवरी का खाका तैयार करने की वजारत दाखिला को मजीद मोहलत दे दी है। लोकसभा और राज्यसभा की कमेटी बराए कानून साजी ने CAA के तरीक़ेकार की तैयारी की अलर्ट तरतीब 9 अप्रैल और 9 जुलाई तक तोसी देने का फैसला किया था।